हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल pedigree99.com। आज मैं आपको बताऊंगा अपने डॉग फार्म के बारे में और ब्रीडिंग कैसे किया जाता है डॉग्स का, वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको। चलो मैं आपको ले चलता हूं, एक ओवरव्यू देता हूं अपने डॉग फार्म का। ये मेरा डॉग फार्म है और यहाँ बिल्कुल आप ग्रीनरी देख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, धूप वगैरह का कोई परेशानी नहीं है। और ये आपका डॉग्स का घर बना हुआ है, ये देखिए बिल्कुल वेल मेंटेनेंस में, पानी की निकासी कैसे करनी है, हर चीज़ बिल्कुल एज इट इज है। ये जो आप देख रहे हैं ब्रीड बेल्जियम मेलोनियस, ये मेरे पास 3 बार बच्चा दे चुकी है, 3 बार। इसको खाने में हम क्या देते हैं देखिए, एग एंड राइस है इसको जो हमने खाने में दिया है, ये एग एंड राइस है। ये इसकी बेटी है हीना, ये क्वीन है और ये इसकी बेटी हीना। सो इज मोर पावरफुल एंड एक्टिव डॉग बिच। उधर आप देख सकते हैं मेरा जर्मन शेफर्ड है, कल्चर फॉर्म है। फार्म का ओवरव्यू देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पेपर क्वालिटी में जर्मन शेफर्ड का बच्चा है, जो मेरे डॉग कैस्टर्ड का बच्चा है। और ये ओवरव्यू है मेरे कैनल का। अब बात करते हैं ब्रीडिंग के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जिस भी डॉग का ब्रीडिंग करते हैं, वो बिच कम से कम 22 से 23 महीने की होनी चाहिए। उससे पहले अगर ब्रीडिंग करते हैं तो आपकी बिच खराब हो जाएगी, बहुत सारी परेशानी आती है। तो मेक श्योर कि आप किसी भी बिच का ब्रीड करते हैं डॉग का, तो वो एडल्ट होनी चाहिए, बचपन में उसको ब्रीड नहीं करना है, राइट? धन्यवाद सर, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। जय हिंद।